हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अडानी डिजिटल एजुकेशन। मैं अंकित सोनी आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ फिजियोलॉजी और एनाटॉमी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, जो कि एनएचएम यहाँ पर जीएनएम एएनएम में अक्सर पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। तो चलिए फटाफट देखते हैं इन क्वेश्चन को, जो कि नर्सिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि किसमें होती है? जांग में, भुजा में, गर्दन में या जबड़े में? तो यहाँ पर जो है चौथा आंसर जो आपका सही है, चौथा आंसर जो है जबड़े में सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वह है, ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? दीर्घ अस्थि, मस्तिष्क, एड्रिनल ग्रंथि या मस्तिष्क? तो यहाँ पर गाइस देखेंगे सही आंसर जो है हमारा वो है चौथा है, मस्तिष्क यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन, आरएच फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? कुत्ता से, बंदर से, बिल्ली से या बकरी से? तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर है वो देखेंगे दूसरा, जो बंदर से, आरएच फैक्टर बंदर से संबंधित है। दूसरा आंसर आप देख सकते हैं नीचे जो कि दिखा रहे हैं, यह पर सारे आंसर नीचे नंबर शो होगा वो राइट आंसर है। इसी प्रकार चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर चौथा क्वेश्चन देखिए, अंतःस्रावी ग्रंथियों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वाहिनी विहीन ग्रंथि, वृहद ग्रंथि, सूक्ष्म ग्रंथि या अम्लीय ग्रंथि? तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर है वो है पहला, वाहिनी विहीन ग्रंथि के नाम से अंतःस्रावी ग्रंथियों को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपोहन डायलिसिस का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? यकृत, अवटु ग्रंथि, मूत्र या वृक्क? यहाँ पर जो चौथा आंसर, चौथा ऑप्शन है जो वृक्क, तो इसमें जो सही आंसर है वो है चौथा, वृक्क यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होती है? सोडियम क्लोराइड, फेरिक नाइट्रेट, कैल्शियम फास्फेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट? यहाँ पर सही आंसर देखते हैं, तीसरा आंसर जो है सही है, कैल्शियम फास्फेट अस्थि में सबसे ज़्यादा लवण के रूप में पाया जाता है। चलिए चलते अगले क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन है जो यहाँ पर, आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? लेंस, कार्निया, परितारिका या रेटिना? तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर है वो देखते हैं चौथा, रेटिना, आँख के रेटिना भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के किस भाग से तुलना की जा सकती है? आवरण, शटर, लेंस या फिल्म? चौथा ऑप्शन यहाँ पर फिल्म है, तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर है वो है चौथा, फिल्म यहाँ पर सही आंसर है। आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरा की फिल्म से तुलना की जा सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आयोडीन की कमी से होने वाले रोग गलगंड में की ग्रंथि की अपवृद्धि होती है? थायराइड, जननांग, एड्रिनल या थायराइड? तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर है वो है थायराइड। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आयोडीन युक्त हार्मोन कौन है? तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, टेस्टोस्टेरोन, एडिनेरिन, इंसुलिन या थायरोक्सिन? तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर है वो है थायरोक्सिन, आयोडीन युक्त हार्मोन जो है थायरोक्सिन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंसुलिन किस प्रकार का क्या है? इंसुलिन जो एक प्रकार का क्या है, हार्मोन, नमक, एंजाइम या विटामिन? तो इंसुलिन जो है एक प्रकार का हार्मोन है, आंसर हमारा पहला सही है, आप नीचे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंसुलिन की खोज किसने की थी? विकास मान्य, बेटिंग व बेस्ट ने, लाइनक ने या जेनर ने? तो सही आंसर है जो हमारा बेटिंग व बेस्ट ने की थी इंसुलिन की खोज। अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, कंड्रा टेंडन
किससे जोड़ता है, हड्डी को पेशी से, हड्डी से हड्डी को, पेशी को हड्डी से, या पेशी से पेशी को। तो यहाँ पर जो सही आंसर हमारा तीसरा, पेशी से हड्डी को कंडरा जोड़ता है। अगला क्वेश्चन 14वें नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है, एटीपी, लैक्टिक अम्ल, पाइरूविक अम्ल, फ्यूमेरिक अम्ल। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर है वो है पाइरूविक अम्ल से क्रेब्स चक्र का संश्लेषण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अम्ल में मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है, तो यहाँ पर यूरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या पाइरूविक अम्ल। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर है वो है लैक्टिक अम्ल के कारण थकान महसूस होती है, क्योंकि ये मांसपेशियों में बहुत अधिक जम जाता है। तो यहाँ पर दूसरा आंसर हमारा सही है 15वें क्वेश्चन का। 16वें क्वेश्चन में चलते हैं, किस हार्मोन में आयोडीन होता है, लैक्रिमल, ऑक्सीटोसिन, थायराइड या थायरॉक्सिन। तो यहाँ पर जो थायरॉक्सिन जो है सही आंसर है, थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन अधिक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा एक अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है, यकृत, हड्डी, आंसू या मस्तिष्क। सही आंसर है यकृत, यकृत जो है सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर है, अस्थि, दंत धातु, नख या दल्तवल्क। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर जो है दल्तवल्क सही आंसर है, दल्तवल्क। अगला क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है, थाइमस, ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजेन या एड्रेनेलिन। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है एड्रेनेलिन हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है। कौन सी ग्रंथि अश्रु मतलब आंसू स्त्रावित करती है, अवतु, पिट्यूटरी ग्रंथि, लैक्रिमल या अग्न्याशय। तो यहाँ पर जो सही आंसर हमारा वो है लैक्रिमल ग्रंथि आंसू स्त्रावित करती है। कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है, तो यहाँ पर चार ग्रंथियों के नाम, ऐसी कौन सी ग्रंथि जो वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है, एड्रिनल, थाइमस, थायरिडे या पैराथायराइड। तो सही आंसर जो हमारा थाइमस ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है, थाइमस सही आंसर। 22वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्त्राव करती है, अधिवृक्क ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि या लैक्रिमल ग्रंथि। यहाँ पर जो है एड्रिनल ग्रंथि सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गति प्रेरक किससे संबंधित है, उदर से, पित्ताशय से, हृदय से या आँख से। तो गति प्रेरक जो है हृदय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, गर्भाशय में मानव भ्रूण किस द्रव में तैरता है, प्लेसेंटा, प्लेसेंटल द्रव, अमनियटिक द्रव, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसमें सही आंसर है वो है अमनियटिक द्रव में मानव भ्रूण तैरता है। अगला क्वेश्चन, गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है, योनि द्वारा, गर्भाशय द्वारा, प्लेसेंटा द्वारा या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर जो है हमारा प्लेसेंटा के द्वारा गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को संरचना या पोषण मिलती है। ठीक है, तो प्लेसेंटा यहाँ पर हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, गामा किरणें, एक्स किरणें, अल्ट्रासाउंड ये सभी। तो यहाँ पर जो है अल्ट्रासाउंड सही आंसर है, शिशु का विकास हम अल्ट्रासाउंड के माध्यम से पता कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है, यहाँ पर चार ऑप्शन, सोमेट्रोपिन, इंटरफेरॉन, इंसुलिन या ऑक्सीटोसिन। तो यहाँ पर जो सही है ऑक्सीटोसिन जो है सही आंसर है। टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है, खोपड़ी में, टांग में, भुजा में या अस्थि में। तो यहाँ पर टीबिया नामक हड्डी जो है टांग में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है, इनमें से कोई नहीं, फोटोडर्मिस, डर्मिस या एपिडर्मिस। तो यहाँ पर जो है एपिडर्मिस, त्वचा की सबसे ऊपरी सतह को एपिडर्मिस कहते हैं। अगला क्वेश्चन,
दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व तो कौन से हैं? मैग्नीशियम, सल्फर, पोटेशियम व कैल्शियम, कैल्शियम व फॉस्फोरस। सही आंसर जो है कैल्शियम और फॉस्फोरस है सही आंसर। अगला क्वेश्चन, दो युग्मों के संयोजन को क्या कहते हैं? परिवर्धन, परागण, पुनर्जनन, निषेचन। तो जो सही है निषेचन यहाँ पर सही आंसर है। नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? यहाँ पर कहा जाए कि नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग दिया जाता है, यहाँ पर परितारिका, लेंस, कार्निया, ये संपूर्ण आँख। तो जो है कार्निया यहाँ पर डोनेट होती है नेत्रदान में, जिसका कार्निया ही वह प्रमुख भाग है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, नवजात शिशुओं में लगभग कितनी हड्डियाँ होती हैं? 180, 200, 300 या 400। तो यहाँ पर जो है 300 हड्डियाँ होती हैं एक नवजात शिशु में, 300 हड्डियाँ सही आंसर है। 34, नाड़ी दर से नापा जाता है, सिरा से, त्वचा से, धमनी से, तंत्रिका से। तो जो है धमनी से नाड़ी के दर को नापा जाता है। अगला क्वेश्चन, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? लार, पेट, यकृत या एंजाइम। तो यकृत जो है सही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? एंजाइम, उदर, टाइलिन या छुट्टियाँ। तो सही आंसर जो है एंजाइम, पेट में भोजन को पचाने के लिए एंजाइम की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन, प्रथम परप्रांगी शिशु का क्या नाम है? यहाँ पर जो डॉली, लुइस, इंदिरा है, वास्तव में यहाँ पर लुइस जो है प्रथम प्रग्नली शिशु का नाम है, दूसरा आंसर हमारा सही है। 38वां क्वेश्चन में चलते हैं, पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? न्यूडोटोमी, वैक्सोटोमी, सेकेडेमी, वैसेक्टोमा। तो यहाँ पर जो है वैसेक्टोमा कहा जाता है पुरुषों की नसबंदी को। 40वां क्वेश्चन के साथ चलते हैं, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? टाइलिन, छोटी आंत, उदर या पित्ताशय। तो यहाँ पर जो है उदर सही आंसर है, प्रोटीन का पाचन उदर से होता है। पेसमेकर का संबंध किससे है? छोटी आंत मुख पाचन नली, हृदय। तो जो हृदय हमारा सही आंसर है। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? बृहद ग्रंथि, मस्तिष्क, नाक या मुख। तो जो हमारा सही आंसर है वह है मस्तिष्क। पिट्यूटरी ग्रंथि जो है मस्तिष्क में स्थित होती है। अगला क्वेश्चन, पित्त कहाँ जमा होता है? छोटी आंत, हृदय, उदर या पित्ताशय में। तो जो है पित्ताशय में, पित्त जैसा कि नाम से स्पष्ट है, पित्त जो है पित्ताशय में जमा होता है। अगला क्वेश्चन, पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? अश्रु, यकृत, गुर्दे या मस्तिष्क में। तो जो पीनियल ग्रंथि है वो मस्तिष्क में स्थित होती है, मस्तिष्क इसका सही आंसर है। बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? माता के, माता पिता दोनों के, पिता के या कोई नहीं। तो जो यहाँ पर पिता के, बच्चों का जो लिंग निर्धारण है पिता के गुणसूत्र से होता है। भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? माइटोकांड्रिया, केंद्रक, राइबोसोम या लाइसोसोम। तो यहाँ पर जो है माइटोकांड्रिया में भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका जो है वह माइटोकांड्रिया कोशिका है। अगला क्वेश्चन, मुख में मंड स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? टाइलिन, एमाइलेज, पेप्सिन या हाइपेस। तो सही आंसर जो है वो है टाइलिन, स्टार्च का शर्करा में पाचन टाइलिन के द्वारा होता है। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? लसिका, पित्त, कोलेस्ट्रॉल या यूरोक्रोम। तो सही आंसर जो है यूरोक्रोम, मूत्र का जो पीला रंग है यूरोक्रोम के मौजूदगी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य एक मिनट में कितनी बार सांस लेता है? देख सकते हैं यहाँ पर 52, 16 से 18, 12 या 20 से 25। सही आंसर जो है हमारा 16 से 18, मनुष्य एक मिनट में 16 से 18 बार सांस लेता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं? 23, 12, 34 या 20। तो सही आंसर जो है हमारा 20, मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत दो बार विकसित होते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? सेरेब्रम, अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क या मध्य मस्तिष्क। सही आंसर जो है वो है अनुमस्तिष्क, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क है। प्रमस्तिष्क यहाँ पर सही आंसर है।
थैंक यू गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ इसी प्रकार के और अच्छे क्वेश्चंस के साथ।